सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले दैट विल हेल्प यू टू कम्प्लीट योर सिलेबस ईजिली एंड क्विकली। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो है अभी से लेकर प्री बोर्ड्स तक के लिए ज़्यादा टाइम डेफिनेटली बचा नहीं है। इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास 2 to 2.5 मंथ्स है, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो मैं यहाँ पर जनवरी तक, मतलब जनवरी कंप्लीट होते होते तुम्हारा पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिविजन्स एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर फरवरी के मंथ में यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे स्कूल्स में डेफिनेटली प्री बोर्ड्स बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, या फिर नेक्स्ट वीक से तुम्हारा प्री बोर्ड स्कूल्स में स्टार्ट होने वाला होगा। और देखो, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा जनवरी के स्टार्टिंग में प्री बोर्ड्स होता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में यहाँ पर दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर चूंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम से पहले यहाँ पर कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि क्या तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड स्कूल में स्टार्ट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो कब से है। आई होप यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ स्कूल्स में जनवरी भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सिलेबस क्विकली इज टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। यहाँ पर अब तुमने जैसा भी क्लास 9 में जैसा भी किया, 8 में जैसा भी किया, वो मैटर नहीं करता। इवन तुमने हाफ ईयरली में कितना स्कोर किया, हाफ ईयरली में तुम्हारा परसेंटेज क्या था, ये मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स मैटर करता है। एंड हियर इफ़ यू डू वेल इन योर प्री बोर्ड्स, अगर तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स में तुम अच्छा करते हो और अच्छा परसेंटेज आता है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस। तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर तुम प्री बोर्ड्स में अच्छा कर पा रहे हो, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि प्री बोर्ड्स अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो बोर्ड्स में तुम अच्छा करोगे, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड्स में जितना मिलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स बढ़कर ही तुम्हें बोर्ड्स में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्री बोर्ड्स को तुम्हें बिगाड़ना नहीं है। अगर तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स अच्छा कर पाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर तुम बोर्ड्स भी अच्छा कर पाओगे। तो प्री बोर्ड्स को बिगाड़ना नहीं है। और सिलेबस देखो अलग से, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि हियर यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस अलग अलग नहीं है, इट इज सेम, राइट? यहाँ पर जो कि तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें प्री बोर्ड्स के लिए भी वही करना है, वही चैप्टर्स है, वही टॉपिक्स है, वैसा ही क्वेश्चंस जैसा कि बोर्ड्स में आता है, उसी टाइप का तुम्हें प्री बोर्ड्स में भी मिलने वाला है। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर जो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है और जो तुम्हारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है या उससे पहले का, वो सारा क्वेश्चंस को मिक्सअप करके कंबाइन करके यहाँ पर तुम्हारा प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो प्री बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तुम यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, जो कि तुम्हारा लेटेस्ट 2024 वाला स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उसको जरूर सॉल्व कर लेना, प्री बोर्ड्स के लिए भी हेल्प करेगा, और उसी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में भी मिलने वाला है। नेक्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हियर नाउ इट इज़ टाइम टू टेक इट सीरियसली। यहाँ पर तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन सीरियस होकर करना है, और तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट इज डिस्टर्बिंग यू, दैट इज कॉजिंग हिंड्रेंस इन योर स्टडीज। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एकदम मोटिवेटेड रहना है, और तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर स्टडीज। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो हियर द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। विंटर्स, डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा विंटर्स आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर। देखो, यहाँ पर मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर ऑल दो सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू मेमोराइज, इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट ऑल दो सब्जेक्ट्स। यहाँ पर स्पेशली तुम्हारा मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री, सिविक्स, और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है, इट कैन बी बायो ऑल्सो, बिकॉज देर आर मेनी टेक्निकल टर्म्स, देर आर मेनी बायोलॉजिकल terms that you have to memorize. तो जितना भी तुम्हारा memorizing based subjects है, ये सारा subjects तो morning के time में कर सकते हो। और देखो, यहाँ पर morning का time यहाँ पर बहुत ज़्यादा effective रहता है। Why? Because you are fresh in the morning, you feel fresh. और साथ ही साथ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, when you get up early, you can do 5 or 10 minutes of meditation and then you can start with your preparations for your board exams. अब देखो, यहाँ पर morning के time when you are studying, when you are waking up at 5 AM or 5:30, तुम्हें यहाँ पर make sure करना है that you should get up from your bed and you should sit in some other place and you should study. यहाँ पर important है, देखो it is quite obvious that it is cold in the morning, but at the same time it is very effective and definitely you can
कंप्लीट ऑल दो सब्जेक्ट्स इन विच यू आर वीक. जो भी तुम्हारे मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग टाइम. आई हैड फॉलोड द सेम थिंग इन माई बोर्ड एग्जाम्स, तो डेफिनेटली तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो एंड इट वर्क फॉर मी. आई होप इट विल वर्क फॉर यू एज वेल. तो तुम्हें ये सारा चीज़ को फॉलो करना है. और देखो मॉर्निंग के टाइम तुम यहाँ पर मैथ्स लेकर मत बैठना, लेकिन जो भी तुम्हारा स्पेशली मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है वो सब तुम अगर करोगे, तो जो अगर तुम इवनिंग के टाइम सपोज हिस्ट्री सिविक्स कर रहे हो, तो तुम्हें अगर यहाँ पर सपोज 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में 2 आवर्स लग रहा है, सो सेम थिंग यू कैन डू इट इन 1 आवर इन द मॉर्निंग अगर तुम यहाँ पर इफेक्टिवली करते हो. इफ़ यू आर फुल फोकस्ड और अगर तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर ईजिली अपना सारा सब्जेक्ट्स जो कि तुम्हें मेमोराइज करना है वो सारा सब्जेक्ट्स ईजिली कंप्लीट कर सकते हो. तो मॉर्निंग के टाइम तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये सारा सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है. हिस्ट्री सिविक्स, बायो, ज्योग्राफी और एनी अदर सब्जेक्ट जो भी तुम्हें यहाँ पर सही लगे तुम कर सकते हो. बट यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो तुम ये चीज़ को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. एंड यहाँ पर देखो नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हिंड्रेंस, स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. एंड यहाँ पर तुम्हारा एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू सिट इन सच एन एनवायरमेंट वेयर यू आर अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. तो ये चीज़ को जरूर फॉलो करना. अगर ये सारा चीज़ को तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में, इवन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो और तुम अपना सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो. एंड बिसाइड्स दिस, लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को फॉलो करना है. देखो यहाँ पर जो तुम्हारा पैटर्न है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंजेस है. लाइक यहाँ पर तुम्हारा एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन, जितना भी एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन है, ये सारा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है जो कि तुम्हें MCQs में मिलने वाला है. तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 5 to 8 marks का ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. बट इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है जो तुम्हारा स्पेशली सेक्शन बी का क्वेश्चंस रहेगा और MCQs को छोड़कर जितना भी क्वेश्चंस है सेम पैटर्न है. और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है. अब जबकि तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को फॉलो कर रहे हो, जो भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग आउटडेटेड और समथिंग विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ दिस ईयर. दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट सिलेबस. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारा जो रिविजन सीरीज है उसके अंदर भी हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यू हैव टू फॉलो ऑल दोज क्वेश्चंस, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स. मेक श्योर दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर ऑल दोज सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू मेमोराइज. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस पे फोकस करना है. अल्टीमेटली एट द एंड क्वेश्चंस मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्स, थ्योरी पेपर जितना भी है, ये सारी चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर आंसर्स लिखना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को फॉलो करो. जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना भी तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सब तुम कर सकते हो. कुछ यहाँ पर मैथ्स का जो बुक में एग्जांपल्स है वो सारा तुम्हें सॉल्व करना है और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना है. जो तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से रिलीज हुआ है तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा. लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो. तो वो सारा चीज़ को सॉल्व करना है. उसका आंसर्स भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यूट्यूब पर. जो पेंडिंग है वो सारा चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले. So that's all for this video. Thank you so much for watching.